नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिंपल फार्मेसी स्टडी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी टैबलेट के बारे में बात करने वाले हैं, ऐसी दवाई के बारे में बात करने वाले हैं जिसका उपयोग दोस्तों मुख्य रूप से गठिया को ठीक करने के लिए किया जाता है, जिसको इंग्लिश में गाउट कहते हैं। दोस्तों, एक गंभीर बीमारी होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो हमारे हाथ पैरों के जॉइंट्स होते हैं, जोड़ों में क्या होता है कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जोड़ों में बहुत अधिक पीड़ा होती है और चलने और उठने बैठने में कठिनाई होती है, जोड़ों में सूजन और लालिमा भी आ जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कोल्चिसिन टैबलेट के बारे में। हम इसके आपको उपयोग के बारे में बताएंगे, मार्केट में कितने रुपए की आपको मिलेगी, क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट आते हैं, आपको इस टैबलेट को कैसे और कितने दिनों तक उपयोग करना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, किन दवाइयों के साथ में इस कोल्चिसिन टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों, मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूं और इस चैनल पे आपको दवाइयों से जुड़ी जानकारी और हेल्थ से जुड़ी जानकारी देता रहता हूं। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भाई स्टार्ट करते हैं इसके MRP से। तो दोस्तों, मार्केट में ये बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। ये जो कोल्चिसिन है, ये दवाई का मूल नेम है, केमिकल नेम है, लेकिन इसके ब्रांड अलग अलग आते हैं दोस्तों मार्केट में। अभी मैं आपको बताता हूँ इसके MRP की बात करें दोस्तों, तो ये 34 रुपये से लगाकर 40 रुपये के बीच में आपको 10 टैबलेट की स्ट्रिप आती है। किसी भी मेडिकल से आप इसे बाई कर सकते हैं। किस नाम से आती है तो दोस्तों, ये जाइकोल्चिन के नाम से मार्केट में आती है, आप खरीद सकते हैं। कोलोचिन के नाम से ये मार्केट में आती है, आप खरीद सकते हैं। और दोस्तों, ये कोलजॉय के नाम से भी मार्केट में अवेलेबल है, किसी भी मेडिकल स्टोर से आप इसे बाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि ये दवाई आखिरकार है क्या, किस क्लास की दवाई है, कैसे काम करती है। तो दोस्तों, ये जो दवाई है हमारी, इसके अंदर एंटी गाउट प्रॉपर्टी पाई जाती है, ये एंटी गाउट एजेंट है और इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। बात करें दोस्तों ये काम कैसे करती है, तो ये जो टैबलेट है ये क्या करती है दोस्त हमारे इन्फ्लामेशन जो होता है उसको ये कम कर देती है। अच्छा, इन्फ्लामेशन के कारण ये दोस्तों क्या होता है, पेन, दर्द है, सूजन है और जो दूसरे लक्षण दिखाई देते हैं वो सारे ठीक होने लगते हैं जब ये इन्फ्लामेशन को कम कर देती है। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि इस टैबलेट का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पर डॉक्टर करते हैं या फिर किया जाता है। दोस्तों, इसका उपयोग इन्फ्लामेशन और पेन को ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि इसका मुख्यतः जो उपयोग है वो गठिया के उपचार में किया जाता है, गाउट को ठीक करने के लिए किया जाता है, और गठिया के बारे में हमने आपको बता भी दिया है। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि ये टैबलेट जो है ये कैसे आप उपयोग करेंगे। तो दोस्तों, इस टैबलेट को आप खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद उपयोग कर सकते हैं। ये जो टैबलेट है दोस्तों, दिन में 2 से लेकर 3 बार लेने की सलाह डॉक्टर देते हैं। बात करें कितने दिनों तक उपयोग करना है, तो दोस्तों इस टैबलेट का उपयोग आप 7 दिनों तक लगातार कर सकते हैं। अगर दोस्तों उसके आगे आपको इसका उपयोग करना है तो अपने डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर लें, फिर इसका उपयोग करें। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो कोल्चिसिन टैबलेट है इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या आ सकते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट में शामिल है जैसे कि दोस्तों मतली उल्टी की शिकायत करते हैं मरीज, और पेट में कहते हैं कि दर्द महसूस होता है, और दोस्तों डायरिया मतलब पेट खराब होने की समस्या, और आपका वेट लॉस हो सकता है। अगर ऐसा कोई भी लक्षण आपको दिखाई दे तो तुरंत इसको लेना बंद करें, घबराएं नहीं, अपने डॉक्टर से संपर्क करें, वो आपका फर्दर ट्रीटमेंट करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि सावधानियां क्या क्या रखनी है ये टैबलेट लेते समय। तो देखिए, सावधानियों में अगर आपको एलर्जी है इस दवाई से तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, आपको ये नुकसान पहुँचा सकती है। प्रेगनेंसी में दोस्तों इस टैबलेट का उपयोग नहीं करना है। ब्रेस्ट फीडिंग, अगर कोई महिला बच्चे को दूध पिलाती है तब इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। और लीवर किडनी की गंभीर बीमारी होने पर भी आप इसका इस्तेमाल अपने आप से ना करें, हमेशा डॉक्टर की सलाह से इसका इस्तेमाल करें। बात करें दोस्तों कंट्राइंडिकेशन की, कि किन दवाइयों के साथ में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो कुछ दवाइयां हैं जैसे कि क्लेरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक आती है, इसके साथ में नहीं करना है। एरिथ्रोमाइसिन के साथ में भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो दोस्त, ये थी जानकारी हमारी कोल्चिसिन टैबलेट के बारे में। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और दोस्तों हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।
मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय।